चस्का बेचा जाता है चैलेंजेस बेचना, बेचना क्या हैं? कोविड नाइनटीन के मुझे जो समझ आते हैं तीन बुनियादी चैलेंजेस हैं। वन इज इकोनॉमिक चैलेंज है डेफिनेटली है, है हर एक उसके ऊपर बात करता है सेकेंड इज एजुकेशनल चैलेंज है बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तीसरा बड़ा चैलेंज सोशियोलॉजिकल चैलेंज है यकीन इकोनॉमिक और एजुकेशनल चैलेंज सोशियोलॉजिकल चैलेंज से रिलेट करता है सो विफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक चैलेंजेस तो इकोनॉमिक चैलेंज में पहला चैलेंज तो यह है कि जी जब इकोनॉमि गिरने लगती हैं तो क्या करना चाहिए बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए फ्यूचर का बिजनेस क्या है we need to make people aware of it the futuristic economy uh, what is online business industry what is online and virtual entrepreneurship where are we moving so the, the challenge that is economic challenge due to covid-19 we have to equip with certain set of information and skills जो इकोनॉमिक uh, क्राइसिस uh, को हैंडल कर सके नाउ डेफिनेटली मीडिया हैज टू प्ले इट्स रोल हाउ थ्रू एजुकेटिंग पीपल थ्रू रनिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोग्राम्स दैट टॉक अबाउट फ्यूचरिस्टिक बिजनेसिस ऑनलाइन बिजनेसिस इस वक्त uh, हमारे यहाँ जितने मेन स्ट्रीम चैनल हैं जितने आप सोशल uh, मीडिया के चैनल देखते हैं कितने चैनल हैं जो ऑनलाइन uh, या वर्चुअल ऑन्टरप्रीनियोरशिप के ऊपर लोगों को इल्म दे रहे हैं कितने मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं जिनके ऊपर ऐसा कोई प्रोग्राम है जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस की बात करता है किस तरह एसएमईज अपना किरदार अदा करती हैं एसएमईज मुश्किल हालात में किस कितने प्रोग्राम्स हैं सो कोविड नाइनटीन का ये चैलेंज है और ये कोरिलेट होता है मीडिया के रोल के साथ एजुकेशनल चैलेंज uh, जब से कोविड-19 आया एक बात तो आया हो गई uh, ये अलमिया है दुख है लेकिन हमें यह रियलाइज हो गया है कि सेल्फ लर्निंग इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन आर एजुकेशनल सेक्टर क्योंकि जब ऑनलाइन लर्निंग की बात आई तो स्टूडेंट्स बोर हो गए स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही क्यों क्या करें ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू लर्न मैं इस दौर में पढ़ा हूं आ, उस दौर में वो रिसोर्स नहीं थे अब वो हैं ऑनलाइन क्लासेस हैं लेकिन स्टिल मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्हें हम बाल स्टूडेंट कहते हैं जिन्हें हम मेच्योर कहते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये तो हमारा फ्यूचर है इन्होंने बागदौड़ संभालनी है वी हैव रियलाइज के कोविड नाइन्टीन ने एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये खड़ा किया है कि हमारी हकीकतें आया हो गई हैं दैट वी वर अनएबल टू डिप सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड इन आर स्टूडेंट्स मीडिया का क्या रोल है मीडिया का रोल है एजुकेशनल प्रोसेसेस को इंट्रोड्यूस करवाना कि ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है सेल्फ लर्निंग क्या होती है सेल्फ मोटिवेशन क्या होती है खुद से कैसे सीखा जाता है मीडिया हैज़ टू प्ले इट्स रोल टू डील विद दीज चैलेंजेस एंड अपग्रेड द कॉग्निशन एंड अबिलिटी ऑफ थिंकिंग ऑफ आर यंगस्टर्स दैट ऑनलाइन लर्निंग इज समथिंग एवरीथिंग यू हैव इन योर ओन हैंड्स आपके पास इख्तियार होता है आपको क्लासरूम में बैठ के आ, बेजा चीजें शायद नहीं सुननी पड़ती तो यू कॉट यूटिलाईज इट मीडिया हैज इंट्रोड्यूस द न्यू ट्रेंड्स ऑफ लर्निंग टू आर यंगस्टर्स मीडिया trends इंट्रोड्यूस द न्यू our ऑफ लर्निंग टू is फैकल्टी sad thing कि हमारी फैकल्टी भी उस तरह ट्यून्ड नहीं है इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर एंड इन जनरल एज वेल our faculty needs to be developed uh, and to be attached with the trend, trends the modern trends of learning which is a missing thing the third challenge is societal challenge and when i talk about societal challenge psychological depression paida hua covid-19 hoga jab mali halat, muashi halat kharaab hunghe, uh, uh, psychological depression will be uh, one of a huge outcome just stre stress hai,

That's what uh, the media has to play its role in, because this is one of the challenge that COVID-19 has brought. This challenge um, do not seem to be decreasing with the passage of time, but increasing. The uh, Hamareha societal challenge may, अवेयरनेस एक बड़ा बहुत बड़ा मैटर है सो so, अवेयरनेस से मुराद यह है FAQs, हमारे मीडिया को रोल प्ले करने की जरूरत है कि FAQs के सेशन चलाएं फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल उन्होंने डरना नहीं समझना है कि एक सीरीज शुरू की जिसमें दे जस्ट ट्राई टू डेवेलप एन अवेयरनेस डेफिनेटली यूएस का हल्का अहबाब महदूद है लेकिन अगर यही काम चार पांच छ और यूनिवर्सिटीज uh, या मीडिया हाउसेस करेंगे तो इसका दायरा कार बढ़ जाएगा कोविड नाइन्टीन के जो इकोनॉमिक एजुकेशनल और सोशियाटल चैलेंजेस हैं जिसमें और भी ऐड तो किए जा सकते हैं इन सबको एड्रेस करना मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें जो इसे करने की जरूरत है जी इमरान न्याजी बात कर रहा हूँ वाली से मेरा सवाल यह है कि अब मौजूदा जो हालात है पेंडेमिक के इसमें हमारे मुल्क में वबा से ज्यादा अफवाह तेजी से फैली है और इस अफवाह ने वबा से ज्यादा नुकसान किया है हमारा आ, तो क्या इस सारी सूरत हाल में जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा ने कहा कि फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड मीडिया जो है उसका उसने क्या किरदार अदा किया तो वो वो अफवाह का पार्ट है जैसे कि आम अफवाहें फैली हुई हैं या वो कहीं इसको पॉजिटिव लोगों को अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन भी दे रहा है या नहीं इमरान याद इस... साहब आपके सवाल का बहुत शुक्रिया वो कहते हैं पर हो तो बगला बनता है तो पर तो होता है यानी कुछ ना कुछ हकीकत होती है उसके ऊपर फिर कोई बगला बना लेता है और कोई शुतर मुर्फ बना लेता है मीडिया इंडस्ट्री के अंदर एक टर्म यूज की जाती है एक नहीं बल्कि दो चार टर्म्स हैं उसे कहते हैं मंजन बेचना चूरन बेचना छापा मारना सो so हमारे यहां भी मंजन बेचा जाता है चूरन बेचा जाता है इंतजार बेचा जाता है छापा बेचा जाता है चस्का बेचा जाता है जितनी so, बात हो रही है इसकी वजह कह तो ही है इमरान न्याजी साहब से मैं मुखातिब डायरेक्टली हूँ और मैं सबसे मुखातिब हूँ कि हमारे यहाँ जब हम ये देखते हैं कि अफवाह या मीडिया का जो ये पहलू है कि वो बेचैनी और इसतराब में इजाफा करने का सबब ज्यादा बन रहा है तो उसकी वजह यही है कि हम एक तो यह कि हम रिएक्टिव मोड में आते हैं हम पांच साल दस साल का सोच के चीजों को नहीं चलते और रिएक्टिव मोड के आने के साथ साथ हम देखते हैं कि कौन सा पत्ता चलाए तो ये सर उठा लें रंग अगर आप लोग खेलते हैं तो रंग में सर उठाना इंपॉर्टेंट होता है so यहां पे ये नहीं देखा जाता कि सात सर पूरी करनी है यहाँ देखा जाता है जो चल रही है सर ये उठा लो और वो उठाने के लिए वो अपना बड़ा पत्ता फेंक देते हैं उसके बाद पीछे खोखलापन होता है और उस खोखलेपन को कवर करने के लिए बहुत कुछ होता है सो वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस चूरन बेचना मंजन बेचना स्कूल ऑफ थॉट

वो कहते हैं कि स्टार द डिस्ट्रैक्शन फीड द फोकस so uh, so let, let's get back uh, the topic is very diverse aspects miss हुए हैं, जो इतने कम में नहीं हो सकते गुफ्तु -गु भी जो है वो uh, मुसर नहीं रहती तो chunks में हमें आइंदा आने वाले वक्त में से snowball effect की तरह लेके जाना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें इकट्ठी हों और एक small pebble turns into a big snowball Uh, दूसरी बात कि uh, हमें आई थिंक जहां पे हम रोल ऑफ मीडिया की बात करते हैं और हमारा फोकस मीडिया में प्रोड्यूसर्स के ऊपर होता है जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन हमें आई थिंक एक सेशन होना चाहिए जो कंज्यूमर साइड का होना चाहिए कि कंज्यूमर्स को कैसे कंज्यूम करनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन जो उन्हें इतनी बम्बाटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तु सोर्सेस से आते हैं जिस तरह अफराते जर किसी मैशियत के लिए बुरा होता है इसी तरह अफराते मालूम भी मुजर होता है अगर उसकी ना हो उसकी फिल्टराइजेशन मुनासिब ना हो मैंने एक जगह सुना था कि दुनिया मालूम का कबाड़ खाना बनती जा रही है तो उसमें आपको एक अच्छा कबाड़िया बनने की जरूरत है कि आप बेहतरीन चीज जो है उसका इंतख्या कर सकें और आई थिंक उसके ऊपर भी एक सेशन जो है आने वाले वक्त में होना चाहिए इंडीड इट्स नॉट ओनली द रेडियो नॉट ओनली द मेन स्ट्रीम चैनल इट्स नॉट ओनली द सोशल मीडिया इट्स द यूनिवर्सिटीज इट्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कम्युनिटी सर्विसेज का विंग है उसे अपने तई अपना रोल मीडिया के थ्रू जो है माशरे की बेहतरी अब ब्रिंगिंग और नशनुमा के लिए उसको अदा करना है मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ इंतजामिया का और तमाम कॉलिग्स का क्या आपके ख्याल सुनने का मौका मिला मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया